इस साल का पहला सूर्य और चंद्र ग्रहण लग चुका है, मगर आज 14 अक्टूबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। भारत में ग्रहण की काफी ज्यादा मान्यता होती है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण। इस साल ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, मगर इसका असर कुछ लोगों पर पड़ेगा। ऐसे में अब ये जानना बेहद जरूरी है कि इस ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं, आइए जानते हैं। इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण ठीक नवरात्रि से एक दिन पहले लगेगा। सूर्य ग्रहण के दौरान सबसे पहले ये ध्यान रखें कि ग्रहण शुरू होने से पहले खुद को शुद्ध कर ले। ग्रहण शुरू होने से पहले स्नान आदि कर लेना शुभ माना जाता है। ग्रहण काल में अपने इष्ट देवी या देव की पूजा अर्चना करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा सूर्य ग्रहण में दान करना बेहद शुभ माना जाता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। साथ ही ग्रहण खत्म होने के बाद एक बार फिर से स्नान करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ग्रहण काल के दौरान खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता जरूर डालें। अगर बात करें कि सूर्य ग्रहण के दौरान क्या नहीं करना चाहिए, तो मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान भोजन या पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माना जाता है कि व्यक्ति की पाचन क्षमता कमजोर होती है, जिसके कारण व्यक्ति के बीमार होने की ज्यादा संभावना रहती है। ग्रहण के दौरान कोई भी नया काम या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, उस काम में असफलता मिलती है। नाखून काटना, बालों में कंघी करना और दांतों की सफाई और सोना भी अशुभ माना जाता है। ग्रहण के दौरान चाकू या धारदार चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। बता दें कि ग्रहण काल में प्रकृति में कई तरह की अशुद्ध और हानिकारक किरणों का प्रभाव रहता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को भी इस समय खास ध्यान रखना चाहिए। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, जिस वजह से सूतक काल भी यहां पर मान्य नहीं होगा, मगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि सूर्य ग्रहण दिखाई ना दे तो भी इसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। इस दौरान कुछ राशियों को सर्वाधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह राशियां हैं मेष, कर्क, तुला और मकर। इन राशियों को सूर्य ग्रहण के समय खास सावधानी बरतने की जरूरत है। अब अगर बात करें कि साल का दूसरा सूर्य ग्रहण कब और कहां दिखाई देगा, तो आपको बता दें कि यह ग्रहण भारत में तो नहीं दिखाई देगा, मगर साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज 14 अक्टूबर को 8:34 से शुरू होगा और रात 2:25 पर समाप्त हो जाएगा। यह ग्रहण अमेरिका, समोआ, बरूनी, कंबोडिया, चीन, तिमोर, फिजी, जापान, मलेशिया, माइक्रोनेशिया, न्यूजीलैंड, सोलोमन, सिंगापुर, पपुआ, न्यूगिनी, ताइवान, थाईलैंड, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी हिंद महासागर, इंडोनेशिया, फिलीपींस और दक्षिणी पैसिफिक सागर आदि से देखा जा सकता है।